इंडियन स्टॉक मार्केट हर सैटरडे और संडे को बंद रहता है और स्टॉक एक्सचेंजेस ने जारी किए हुए हॉलीडेज को भी बंद रहता है। स्टॉक एक्सचेंजेस के हॉलीडेज की लिस्ट हमने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग 3 सेशन में बटी है। पहला है नॉर्मल सेशन, जिसे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन या कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन भी कहा जाता है। दूसरा है प्री ओपनिंग सेशन और तीसरा है पोस्ट क्लोजिंग सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक होता है। इस सेशन में आप सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक कभी भी अपने शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। यू कहें तो यही स्टॉक मार्केट का एक्चुअल टाइमिंग है। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में बायलैटरल मैचिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यानी जब बायर और सेलर की प्राइस मैच हो जाती है तब ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है। अगर खरीदने वाले और बेचने वाले लोग ज़्यादा है तो प्राइस और टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन्स पूरे किए जाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन से पहले 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है। प्री ओपनिंग सेशन का टाइमिंग सुबह 9:00 बजे से लेकर 9:15 बजे तक होता है। प्री ओपनिंग सेशन में 3 स्लॉट्स होते हैं। पहला स्लॉट सुबह 9:00 बजे से 9:08 मिनट तक होता है। इसे ऑर्डर एंट्री पीरियड कहते हैं। इस स्लॉट में आप अपनी बाय और सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करनी है या ऑर्डर कैंसिल करनी है तो वो भी आप इस स्लॉट में कर सकते हो। 9:07 मिनट और 9:08 मिनट के बीच कभी भी ये स्लॉट बंद हो जाता है। दूसरा स्लॉट 9:08 मिनट से लेकर 9:12 मिनट तक होता है। इस स्लॉट में ऑर्डर मैचिंग की प्रोसेस की जाती है और नॉर्मल सेशन की ओपनिंग प्राइस निकाली जाती है। इस स्लॉट में आप अपनी बाय या सेल ऑर्डर मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते। तीसरा स्लॉट 9:12 मिनट से लेकर 9:15 मिनट तक होता है। इसे बफर पीरियड कहते हैं। इस स्लॉट में प्री ओपनिंग सेशन का नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में स्मूथली ट्रांजिशन यानी संक्रमण होता है। प्री ओपनिंग सेशन का उपयोग नॉर्मल सेशन की ओपनिंग प्राइस डिस्कवर करने के लिए किया जाता है, यानी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस निकालने के लिए किया जाता है। और प्राइस डिस्कवरी के लिए मल्टीलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस प्राइस पर ज़्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है, यानी वो प्राइस नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस होगी। कुछ साल पहले प्री ओपनिंग सेशन नहीं थे, तब सीधे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह यानी बायलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के हिसाब से नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस डिसाइड होती थी। और जैसे कि आपको पता है, बायलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम में जब बायर और सेलर की प्राइस मैच हो जाती है तब ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। और अगर खरीदने वाले और बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं तो प्राइस और टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन पूरे किए जाते हैं। बायलैटरल मैचिंग सिस्टम की वजह से नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस बहुत वोलेटाइल यानी बहुत अस्थिर रहती थी, और इस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए प्री ओपनिंग सेशन लाया गया, जहां मल्टीलैटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके यानी जिस प्राइस पर ज़्यादा ऑर्डर्स मैच होते हैं वो प्राइस नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस लेकर स्टॉक एक्सचेंजेस ने ओपनिंग प्राइस की वोलेटिलिटी कम करने का प्रयास किया। लेकिन इंडिया में बहुत कम ट्रेडर्स प्री ओपनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत में ही ट्रेड करते हैं, इसलिए प्री ओपनिंग सेशन के बावजूद इंडिया में नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने के बाद कुछ समय तक वोलेटिलिटी होती है। IIM अहमदाबाद की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार प्री ओपनिंग सेशन होने के बावजूद भी वोलेटिलिटी और वॉल्यूम को सेटल होने में नॉर्मल सेशन शुरू होने के बाद 25 से 30 मिनट लगते हैं, इसीलिए नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के शुरुआती कुछ मिनटों के लिए आपको सोच समझ कर ही ट्रेड करना होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद यानी 3:30 बजे के बाद 10 मिनट का टाइम क्लोजिंग प्राइस के कैलकुलेशन के लिए होता है। इन 10 मिनट्स में यानी 3:30 मिनट से लेकर 3:40 मिनट तक क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेशन होता है। 3:30 बजे जब नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाता है तब शेयर की या इंडेक्स की जो प्राइस होती है वो प्राइस क्लोजिंग प्राइस नहीं होती। किसी शेयर की क्लोजिंग प्राइस उस शेयर के लास्ट आधे घंटे की प्राइसेस का यानी 3:00 बजे से 3:30 बजे तक की प्राइसेस का वेटेड एवरेज होता है, और जो इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, उनके क्लोजिंग प्राइस उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जो भी शेयर्स उन इंडेक्स में शामिल है उनकी लास्ट आधे घंटे की प्राइसेस का वेटेड एवरेज होता है, जिसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहा जाता है। यूजुअली क्लोजिंग प्राइस 2 से 3 मिनट में ही आ जाती है, यानी 3:32 या 3:33 मिनट तक आपको मिल जाती है। क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने के बाद पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है, जो कि दोपहर के 3:40 मिनट से लेकर 4:00 बजे तक होता है, यानी सिर्फ 20 मिनट के लिए होता है। इस सेशन में आप जो भी शेयर्स बाय या सेल करते हो वो शेयर्स आपको नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस पर ही मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टाटा मोटर्स की क्लोजिंग प्राइस है 500 रुपीज़। सो अगर आपको पोस्ट क्लोजिंग सेशन में टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो आप पोस्ट क्लोजिंग सेशन में 500 रुपीज़ की प्राइस पर ही टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। प्री ओपनिंग सेशन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन सिर्फ कैश मार्केट में होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग सेशन नहीं होते हैं। सो इन शॉर्ट इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग कुछ इस तरह है। सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन, 9:15 से 3:30 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन यानी कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन, 3:30 से लेकर 3:40 तक क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन और 3:40 से लेकर 4 बजे तक पोस्ट क्लोजिंग सेशन। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके लिए स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में शेयर्स बाय या सेल करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे वक्त आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी AMO का उपयोग कर सकते हो। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आप अपनी बाय या सेल ऑर्डर स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद से लेकर स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले तक प्लेस कर सकते हो। इस टाइम में एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, आप बस अपनी बाय या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट बंद ही रहेगा, बस आप अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी बाय और सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग आफ्टर मार्केट ऑर्डर टाइमिंग होते हैं। कुछ ब्रोकर्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी होता है जिसका नाम है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग में दिवाली के दिन लगभग 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुला रहता है और मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग स्टॉक एक्सचेंजेस मुहूर्त ट्रेडिंग के कुछ दिन पहले डिक्लेयर करते हैं। यूजुअली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन शाम को रखा जाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की टाइमिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finovations.com विजिट कर सकते हो। एंड प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/finovations और हमारा ट्विटर आईडी है www.twitter.com/finovations555।